नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ये दो सीरीज में ये वीडियो बना हुआ है। फ्रेंड्स, पहला सीरीज थायराइड के ऊपर था और दूसरा सीरीज ये यूट्रस के ऊपर है, बच्चेदानी के ऊपर है, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक जो है ये इफेक्ट करते हैं हमारे प्रेगनेंसी को, हमारे कंसीव करने के स्पीड को, ये दोनों ही इफेक्ट करते हैं। अगर आपको थायराइड है तो भी आप जल्दी कंसीव नहीं कर पाओगे, और अगर आपके बच्चेदानी में, यूट्रस में सूजन है तो भी आप जल्दी कंसीव नहीं कर पाओगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इसलिए इसको दो पार्ट में मैंने बनाया है। हेड वाला जो वीडियो है फ्रेंड्स वो ऑलरेडी चला गया, और ये है यूट्रस वाला। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, अगर आपको भी यूट्रस में सूजन है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी फ्रेंड्स, तो प्लीज को लाइक तो कीजिएगा ही, साथ ही बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स कि मैं आपको इसके कुछ लक्षण बता देती हूँ कि क्या लक्षण को आप देखोगे तो आपको फील होने लग जाएगा कि हो सकता है कि आपकी यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहला, इरेगुलर पीरियड या फिर इम्बैलेंस पीरियड, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। जैसे कि आपका पीरियड टाइम से बहुत पहले का आ जाना, यानी कि एक महीने में जैसे हमें एक बार आता है, आपको दो दो बार आ जाएगा, या फिर होता हर 10 दिन, हर 12 दिन पे आपको थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा हो, तो भी आपको फील होना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है आपके यूट्रस में। दूसरी चीज है कि अगर आपका पीरियड जो है वो कंटिन्यू बना हुआ है, जैसे कि महीने में एक ही बार आ रहा है लेकिन वो कम नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्लो है उसका, या फिर आया अगर पीरियड तो बहुत ही कम फ्लो से आया, मतलब एक दिन में ही खत्म हो गया, तो भी आपको ध्यान देना चाहिए कि हो सकता है कि आपकी यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण कि आपका पीरियड जो है वो सही नहीं है, वो इरेगुलर चल रहा है। दूसरा रीजन है फ्रेंड्स, पेल्विक हिस्सों में दर्द होना और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, ये भी दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन है फ्रेंड्स कि आपके पैरों में सूजन हो जाना, आप देखोगे कि आपके पैर में जो है वो सूजन आ रहा है, पैर थोड़ा सा फूल रहा है। तीसरा चीज है फ्रेंड्स कि आपके बैक में दर्द होना, नीचे बैक में पीछे आपका दर्द होना भी एक सिम्टम है कि आपके जो यूट्रस में है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आ रही है। फ्रेंड्स, मैंने कुछ लिस्ट रेडी कर लिया है, मैं वही आपको बताती हूँ एक एक करके। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि बहुत ज्यादा आपको यूरिन आना, पास होना, बहुत ज्यादा बार बार आपको बाथरूम लगना, बार बार आपको लगना कि मतलब हर 10 मिनट, हर 15 मिनट पे आपको लग रहा कि मुझे तो बस टॉयलेट जाना ही जाना है, तो आपको समझना चाहिए फ्रेंड्स कि कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि सेक्स के दौरान दर्द होने लगना, जैसे कि नॉर्मल है तो ठीक है, बट बहुत ज्यादा पेन होना, ये भी एक सिम्टम है कि आपके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम्स जरूर है, यूट्रस में सूजन आ रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि पेट के नीचे के हिस्से का वजन बढ़ जाना, मतलब कि यहाँ का जो एरिया है फ्रेंड्स, इस यहाँ पे आपका जो वेट है, वेट नहीं, उस जगह सब जगह नॉर्मल है, बस नीचे का हिस्सा थोड़ा सा मोटा मोटा सा, बड़ा बड़ा सा लग रहा है, तो भी आपको ध्यान देना जरूरी है फ्रेंड्स। एंड लास्ट है बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहना, मतलब आप सही से फाइबर ले रहे हो, अच्छे से न्यूट्रिशन वाला फूड खा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, तो आपको समझना चाहिए कि आपके यूट्रस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। तो ये सारा तो फ्रेंड्स कुछ लक्षण थे जो मैंने आपको बता दिए, मैंने राइट डाउन कर लिया था, लिख के रखा था, डॉक्टर ने मुझे जो जो बताया था वो सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। मदर्स फ्रेंड्स जो है वही चीज आपके लिए लाता है जिसका इंफॉर्मेशन मुझे होता है, मैं जब तक कि इस चीज के बारे में डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करती हूँ तब तक मैं ये चीज लेके नहीं आती हूँ। बट फिर भी ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है फ्रेंड्स, तो मेरा कोई भी सजेशन मानने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा, करना ही पड़ेगा, बिकॉज मैं डॉक्टर नहीं हूं मैं, बट ये है कि एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आती हूँ फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसके कुछ रीजंस बता देती हूँ कि क्यों आपका जो यूट्रस उसमें सूजन क्यों आ सकता है। पहली चीज है, पहले मैं आपको ना फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सिंपल चीज बता देती हूँ, बहुत ही कॉमन चीज जो है वो बता देती हूँ, उसके बाद मैं आऊंगी इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर, तो जरूर सुनिएगा। पहला तो है ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा, मतलब भूख नहीं भी लगा है फिर भी खा रहे हैं। दूसरी चीज है फास्ट फूड का बहुत ज्यादा यूज करना, जंक फूड बहुत ज्यादा खाना। और तीसरा चीज है फ्रेंड्स कि आप जितना इनटेक करें उतना निकाल नहीं रहे हो, इट मींस कि आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो, घर का भी कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आपके यूट्रस में आएगा ही आएगा। फिर
जब आपको कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगा, गैस होने लग जाएगा, तो ये सब तो रीजन है, छोटे छोटे लक्षण है जो कि मैंने लिख के रखा है, जो डॉक्टर ने मुझे बताया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने बताया वो अब मैं आप ध्यान से, पहला है रीजन फ्रेंड्स वो है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स क्या होता है? फाइब्रॉइड्स जो है वो नॉन ट्यूमर कैंसर होता है, ये एक छोटी गांठ की तरह होता है जो आपके यूट्रस में हो जाता है। तो इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका चलेगा जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। रीजन है फ्रेंड्स पीसीओडी का हो जाना, मतलब कि आपका हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाना, आपके यूट्रस में सिस्ट पड़ जाना, जिसके कारण कि आपको जो आपका जो यूट्रस है उसका साइज जो है वो बड़ा बड़ा हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। रीजन है फ्रेंड्स मेनिपॉज का होना। मेनिपॉज का होना मतलब कि आपका जो पीरियड आया वो पीरियड 4 दिन 5 दिन खत्म होने वाला होता है, लेकिन आपका वो खत्म नहीं हो रहा होता, वो कंटिन्यू चल रहा होता है। तो ये जो टाइम होता है फ्रेंड्स कि अब पीरियड का खत्म हो जाना चाहिए, उस टाइम भी आपका कंटिन्यू ब्लीडिंग हो ही रहा है, तो ये भी एक रीजन होता है कि आपका जो यूटरस है इसमें आपका सूजन आ गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ओवरी में सिस्ट हो जाना, मतलब कि आपको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम आ जाना। फ्रेंड्स अगर आपके ओवरी में ही सिस्ट आ जाएगा तो भी आपके यूटरस का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा और उसमें सूजन आ जाएगा। फिफ्थ और लास्ट जो डॉक्टर ने बताया वो है यूट्रस में कैंसर हो जाना। फ्रेंड्स तो कैंसर होने के कारण भी यूट्रस में सूजन आने लग जाता है और उसका साइज बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स ये 5 तो मैंने आपको रीजंस बता दिए कि आपको यूट्रस में क्यों सूजन आता है, यूट्रस का साइज क्यों बड़ा हो जाता है। अब मैं इसके कुछ इलाज बता देती हूँ। इलाज क्या, मैं इसका कुछ बता देती हूँ आपको कि क्या करना पड़ेगा आपको। घरेलू कुछ उपचार इसमें नहीं काम करता है फ्रेंड्स, प्लीज को घर में मत ट्रीट करने की कोशिश कीजिएगा, तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है कि आपके का जो यूट्रस उसका साइज क्यों बढ़ा है, रीजन पे डिपेंड करेगा आपका ट्रीटमेंट। अगर आपका यूट्रस का साइज फाइब्रॉइड के कारण बढ़ गया है तो डॉक्टर आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे। ये पिल्स जो होते हैं फ्रेंड्स ये फाइब्रॉइड के विकास को जो है ये जो इसका स्पीड से वो जो बढ़ रहा होता है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। नहीं तो फिर डॉक्टर आपको एक छोटा सा एक सर्जरी होता है फ्रेंड्स वो करेंगे, उसके बाद आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तो फाइब्रॉइड्स के मामले में है कि आपको मेडिसिन दे दिया जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा गंभीर है तो फिर आपको एक सर्जरी कर दिया जाएगा, लैप्रोस्कोपिक करके एक सर्जरी है फ्रेंड्स, वो कर देने से आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपको कैंसर है फ्रेंड्स तो इसका कीमो चलेगा, कीमोथेरेपी होगा, इसका सर्जरी होगा और इसकी मेडिसिन कंटिन्यू चलती रहेगी। मैं ये तो आपको नहीं कह सकती कि 100% क्योर हो जाएगा या नहीं, ये तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे, बट इतना डॉक्टर ने जरूर कहा कि हाँ बहुत सारे केसेस में ये क्योर हो जाता है। तो बस फ्रेंड्स यही एक छोटा सा वीडियो था। मैंने बहुत कोशिश की है कि अपने तरफ से मैं आपको बता दूं कि अगर आपका यूट्रस वीक है, अगर उसमें सूजन है तो इसके क्या लक्षण होंगे, इसके क्या रीजन हो सकते हैं और इसके क्या ट्रीटमेंट होंगे। ट्रीटमेंट घर का कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, चाहे आपके यूट्रस में सिस्ट बन जाना हो या फिर उसमें गांठें पड़ जानी हो या फिर आपको उसमें नॉन ट्यूमर जैसा कुछ हो, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। घरेलू उपचार कुछ मत कीजिएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैंने कुछ भी होम रेमेडीज इस वीडियो में नहीं बताई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर।